हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है राइट अबाउट लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया एंड गिव इट्स साइलेंट फीचर के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन है वो है हमारा आईपी 2018 और ये इसका एक 8वां एडिशन है। इसको प्रिपेयर किया गया था बाई इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसको हम लोग आईपीसी भी कहते हैं, एंड इट इज रिलीज बाई द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में इसको रिलीज किया गया था। तो अगर एग्जाम में शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है कि हमारा लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन कौन सा है, तो आपको वहां पे लिखना है आईपी 2018 हमारा इंडियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द आईपी 2018, तो इसमें टोटल 4 वॉल्यूम थे और अप्रॉक्सीमेटली 2829 मोनोग्राफ्स इसमें इंक्लूड किए गए थे। तो अगर हम ये बात करते हैं कि इसमें कितने मोनोग्राफ्स नए इंक्लूड किए गए थे, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 220 न्यू मोनोग्राफ्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें 170 मोनोग्राफ हमारे थे वो केमिकल मोनोग्राफ थे, 15 हमारे थे हर्बल मोनोग्राफ्स थे, वो 10 इसमें ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट के थे मोनोग्राफ, 2 इसमें ऐड किए गए थे वैक्सीन एंड इम्यूनोसीरा फॉर ह्यूमन यूज मोनोग्राफ्स को इसमें ऐड किया गया था, 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल ऐड किए गए थे मोनोग्राफ, और इसमें 6 इसमें ऐड किए गए थे बायोटेक्नोलॉजी डेराइव्ड थेरेप्यूटिकल प्रोडक्ट के ऐड किए गए थे मोनोग्राफ, और 14 मोनोग्राफ ऐड किए गए थे जो हमारे होते हैं वेटनरी प्रोडक्ट, उनके 14 मोनोग्राफ इसमें ऐड किए गए थे। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 366 रिवाइज्ड मोनोग्राफ्स थे, मीन्स इससे पहले वो थे बट उनमें कुछ रिवीजन वगैरह किया गया था, और 7 मोनोग्राफ्स को इसमें से डिलीट कर दिया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ आईपी 2018 के बारे में। तो इसका जो पहला था आपका साइलेंट फीचर, दैट इज द वो जनरल केमिकल टेस्ट एंड क्रोमेटोग्राफी TLC ऑलमोस्ट इलिमिनेटेड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन आर्टिकल। तो जो भी हमारे ड्रग सब्सटेंस थे उनकी वो जनरल वो केमिकल टेस्टिंग और TLC टेस्टिंग को ऑलमोस्ट इसमें से हटा दिया गया है, और इसमें कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक वो ज़्यादा अच्छे जो टेस्ट है लाइक हमारे IR, UV, HPLC को इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद जो हमारा वो दूसरा इसका है साइलेंट फीचर, मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग असे एंड रिलेटेड सब्सटेंस टेस्ट मैथड हैज बीन अपग्रेडेड। तो जो हमारे असे के एग्जिस्टिंग है मैथड है और जो हमारे वो सब्सटेंस वो रिलेटेड टेस्ट वगैरह है उनको यहाँ पे अपग्रेड भी किया गया। जो अगली चीज जो इसमें ऐड की गई, द पायरोजन टेस्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन टेस्ट, जिसको हम लोग BET भी कहते हैं फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशन। तो जो हमारे होते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन, उसका जो हम करते हैं पायरोजन टेस्ट, उसको रिप्लेस कर दिया गया इस फार्माकोपिया में विद द बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन टेस्ट, जिसको हम BET टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है, फॉर ईजी ऑफ एक्सेस टू मेक फार्माकोपिया मोर यूजर फ्रेंडली एंड इंडेक्स इज इंक्लूडेड इन वॉल्यूम 1। तो इससे पहले जो हमारी फार्माकोपिया वगैरह थी उसमें जो वॉल्यूम 1 होता था उसमें इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया जाता था, बट इस फार्माकोपिया में आईपी 2018 में इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था वॉल्यूम 1 में ही, जिससे कि आसानी से जो लोग हैं वो अपने कंटेंट को आसानी से खोज सके और इसको ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। उसके बाद जो हमारा अगला है, 52 न्यू फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन मोनोग्राफ्स हैज बीन इंक्लूडेड इन वॉल्यूम 1। इसमें 53 न्यू फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन को इंक्लूड किया गया जो हमारा है वॉल्यूम 1 उसके अंदर, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली वो 25 फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन हमारे ऐसे थे किसी भी फार्माकोपिया में इंक्लूडेड नहीं थे। उसके बाद जो इसका हमारा अंतिम फीचर है, दैट इज द जनरल चैप्टर्स ऑन वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर कंडक्टिविटी डिसोल्यूशन टेस्ट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड डायमेंशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हैज बीन रिवाइज। तो जो हमारे वो कुछ वो जनरल वो चैप्टर थे वो लाइक स्पेसिफिकेशन अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक ग्लास, वो कंडक्टिविटी, वो डिसोल्यूशन टेस्ट, वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, और जो हमारी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है उसके वो डायमीटर के जो जनरल चैप्टर थे उनको प्रॉपरली रिवाइज भी इस फार्माकोपिया में किया गया।
ओके फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, ये आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।